उन्हीं के कब्जे में बाग जन्नत। शुक्रिया। उन्हीं के कब्जे में बाग जन्नत, उन्हीं की जारी है बादशाह। उन्हीं के कब्जे में बाग जन्नत, उन्हीं की जारी है बादशाह। चलो कितने जज्बे से हमारे भाई ने नारे के लिए हाथ उठाया और खड़े हुए। उनके दिल से पूछिए, जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कितने कैसा लगा होगा। हाँ भाई, आप भले अगर आप बहुत शांति से सुनते हैं, बहुत इत्मीनान से आप सुनते हैं, तब तो मुझे नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि मैं पानी मांग रहे हैं, पानी दे दो बाबू, जल खावे जल, हाँ जल लिए जाओ। एक शेर और मैं पढ़ता हूँ आपके खूबसूरत समातों के हवाले। एक आखिरी शेर करता हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाहजा कर ले। हलीमा दाई का घर आंगन, तो एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। देखो कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ ना उठे, या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारों से हमको TTS कमेटी है, माशाल्लाह TTS, अल्लाह सलामत रखे। या रसूल अल्लाह के नारों से हमको ऐसे ही होता है, या रसूल अल्लाह के नारों से हमको, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा तो आप जानते ही हैं, और जानने के बाद भी आप चुपचाप हैं, तो ये थोड़े से मुश्किल सवाल है। अच्छा नहीं, गौर से मत सुनिए, हमको गौर से मत सुनिए, औरों को सुनिए। हम गौर से सुनाने के लिए हमें रिस्पॉन्स चाहिए होगा। अगला शेर पढ़ता हूँ, जरा हाथ उठाए कह दे या रसूल अल्लाह, ये आवाज हो, अल्लाह सलामत रखे। हलीमा दाई, ये वो शेर है, मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा है सारा मजमा खड़ा होकर के इस्तकबाल किया है। आज देख रहा हूँ कि हाथ तक उठा नहीं सकते तो लोग खड़े हो सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं शेर पढ़ देता हूँ। हलीमा दाई का घर वो आंगन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। हलीमा दाई का घर वो आंगन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। वो देखो भाई भाई, अब नारा लगाओ। माशाल्लाह।
सरकार की आमद की बारी आए, नारा लगाओ। कैसे कैसे आड़े टेढ़े नेताओं के लिए तुमने हाथ उठा दिया, दिते होवे लिते होवे करके खत्म कर दिया। लेकिन तुम जब सरकार की आमद का नारा लगाओ और तुम्हारे हाथ ना उठे, कैसे सुननी हो भाई, कैसे सुननी है तुम? तुम सरकार की आमद पर हाथ नहीं उठा सकते, क्या कर सकते हो? तुम्हें कोई जान देने के लिए कहा है? नहीं ना, नहीं ना? सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जश्न पयामर। जो कलाम में पढ़ रहा हूँ पढ़ूंगा, लेकिन बात आ गई सरकार की आमद पढ़ने की। आप कर रहे हैं आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, और नीचे बंगला में क्या लिखा है? वही लिखा है। तो टीटीएस कमेटी कहाँ लिखा है? वहीं पर है। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं एक मतलब पढ़ के देखता हूँ, मुझे यकीन दिलाना कि आप जश्न पयंबर मनाने के लिए बैठे हैं। जश्न पयंबर खूब मनाओ, जश्न पयंबर खूब मनाओ, जश्न पयंबर खूब मनाओ, जश्न पयंबर खूब मनाओ। पारा रबी और के जश्न पयंबर खूब मनाओ, जश्न अरे दिल के चमन को खूब खिलाओ। पारा रबी और को पारा रबी। अच्छा मोड़ दिए थे टीटीएस कमेटी जिंदाबाद। मैं एक मतलब पढ़ूंगा, लेकिन अभी जो शेर पढ़ रहा हूँ उसको आप सुन लें। अरे दुश्मन ठीक, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ जाएगा, व्हाट्सएप मुफ्ती लोग व्हाट्सएप में फतवा भेजने लगता है, इतना इतना सजाने की क्या जरूरत? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं शबे नूर में एक दिन पहले मैं मध्य प्रदेश में था, सिर्फ मस्जिद उन लोगों ने सजाया 3.5 लाख, 3.5 लाख का सिर्फ मस्जिद सजाया था, इतना खूबसूरत लाजवाब। आए हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। जश्न पयंबर खूब मनाओ, दिल के चमन को। के चमन को खूब खिलाओ, पारा रबी अव्वल को। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ सुनिए, व्हाट्सएप मुफ्ती लोग बहुत पैदा हो गए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ। दुश्मन आका से टकरा, टीटीएस कमेटी के वाले से एक शेर, अगर यहाँ रिस्पांस मिला तो माइक पे टिकूंगा, वरना मेरा टाइम हो गया। मुझे बुक पढ़वाने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए होता है, लेकिन उस हिसाब से लोग होता। दुश्मन आका से टकराना, अरे ये भी एक इबादत है। हाँ दुश्मन
अल्लाह सलामत रखे। उम्र देखिए और आवाज देखिए, नौजवानों कहाँ जाओगे, किस दिन काम आओगे। नौजवानों अपनी जवानी पे तरस खाओ। मैं शेर पढ़ता हूँ के दुश्मन दुश्मन दी को अरे दुश्मन दी को खूब जलाओ बारह रवि आओ मुस्तफा को पीटीएस कमेटी दुश्मन इधर से नारा लग रहा था पीटीएस कमेटी। ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने कहा जिंदाबाद। सब अगर बोलते तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। टीटीएस कमेटी जिंदाबाद, ये आवाज थी भाई, ये नहीं थी ना। अब की बार नारा लगाइएगा, जो जवाब नहीं देगा हमें बताइए। मैं कुछ करूंगा नहीं, नहीं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता भी नहीं यहाँ कहाँ कैसे भागना है मुझे। मैं कुछ करूँगा नहीं, मगर एक खुराक ऐसा दूंगा जो जिंदगी भर चुप नहीं रहोगे। दुश्मन दुश्मन दी को अरे दुश्मन दी को खूब जलाओ बारह रवि अवन का अरे इसी पे थोड़ी सी खामोशी है। अब अल्लाह बेहतर जाने क्यों खामोशी है। अल्लाह करे कि नबी के सदके इससे बड़ा इससे बड़ी कहीं खुशी नहीं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा खुशी कहीं नहीं है। रबीउल अव्वल है तो सब कुछ है, बारह ना होती तो कुछ भी ना होता है। तब काहे मुंह लटकाए बैठे हो, चालीसवां मना रहे हो, क्या कर रहे हो, या मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं शेर पढ़ता हूँ इसी के हलीमा वजीद में बोली अरे लालो घर के फिक्र न कर आम नबी की आम नबी की लाल उठाओ सब टीटीएस है माशाल्लाह। आज यूं समझ लो जितने लोग हाजिर हैं सब कमेटी में हैं, है ना।
हाँ, तो जब कमेटी वाले जब काम बहुत अच्छा काम इन्होंने ये किया है कि सबको खिला पिला के आके बैठ के सुन रहे हैं, वरना होता है जलसा कराने वाले कहाँ सुन पाते हैं, वो तो इंतजाम ही में लगे रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है यहाँ के लोग बड़े चालाक हैं, अच्छे हैं, खिलाया पिलाया लाया, आइए हजरत ये खाइए वो खाइए ये खाइए, नहीं खाना तो रख दीजिए बाद में खाइए, चलिए स्टेज पे, ये ठीक है ताकि लोग भरपूर सुन सकें। तो मैं क्या शेर पढ़ रहा था, हाँ सुनिए, जश्न रबी अव्वल है, अरे माह रबी अव्वल है, जश्न रबी अव्वल है, माह रबी अव्वल है, दिलवर शाह दिल भर शाही नात सुनाओ, पारा रबी अव्वल है, दिल भर शाही नात सुनाओ, सारा मजमा एक आवाज में पारा नात सुनाओ, बार रबी अव्वल है, प्यार नबी की बज़्म सजाओ, हवा मना फ़ज़ा मत, फ़रिश्ते जन्नत से के लिए दोबारे का हुक्म हुआ, हलीमा दाई का घर वो आंगन जहां पे गुजरा नबी का बचपन, हलीमा दाई का घर वो आंगन जहां पे गुजरा नबी का बचपन, वो देखो वो देखो सो है मेरे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हवा मनोवर फजा मोहतर, फरिश्ते जन्नत से और रहे हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत का नारा लगाने वालों, एक बार मैं नारा लगाता हूँ, सरकार ताजु शरिया का नारा लगाने वालों, सरकार आला हजरत का नारा लगाने वालों, एक शेर पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सरकार हाफिजे मिल्लत, सरकार सिराजे मिल्लत, सरकार अख्तर रजा खान अजहरी, सरकार ताजु शरिया, सरकार मुफ्ती आजम हिंद, सरकार आला हजरत। ये बीच में कैमरा लगा है यहाँ से।